हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका पार्ट है इतिहास। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री से हम जो है इस वीडियो में जो है कंप्लीट समझने वाले हैं जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों आपको एक एक वीडियो के माध्यम से अब मैं आपको जैसे यहाँ पर इतिहास की हमने जो है बात करने वाले हैं, इसी प्रकार से आपका भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, यानी कि जो आपके पार्ट है इसमें, ठीक है, यानी कि जो आपका सामाजिक विज्ञान है इसमें चार पार्ट है। तो ऐसे में हम एक एक पार्ट से अब जो है सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यहां पर आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास से आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, यानी कि देखिए आप कुछ यहां पर जितने भी मतलब कि ज्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको मैं ये क्वेश्चन बताने वाला हूं और इनका जो है आपको आंसर भी जो है बताऊंगा, यानी कि किस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। और हाँ, इनके जो है बोर्ड एग्जाम में आने की दोस्तों 100% की गारंटी है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को जो है कहीं पर जो है टिक कर सकते हैं अपने बुक में, या जो है आप क्वेश्चन बैंक जहां से स्टडी करते हैं, या जो है आप इन क्वेश्चन को कहीं पर लिख भी सकते हैं। तो यहां पर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होंगे, तो आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार यह रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। और यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी और उसका मुख्य कारण क्या था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए मैं आपको लिखकर नहीं बताने वाला हूं, यहां पर आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो अब ऐसा नहीं कि आप इस क्वेश्चन को मतलब कि यहां पर देखिए क्या होता है, आप लोग सामाजिक विज्ञान में मतलब कई बच्चे जो है कहते हैं कि मतलब इसका हमें जो है कितना आंसर लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए यह क्वेश्चन आपका आ गया, अब इसमें आप लोग लिखेंगे कितना, पहली बात तो यहां पर फ्रांस की क्रांति कब हुई तो आप डायरेक्टली बता देंगे। जैसे फ्रांस की क्रांति जो है 5 मई 1789 ईस्वी को जो है प्रारंभ हुई थी, तो यहां पर आप लोग जैसे इसका जो है टाइम बता देंगे। इसके अलावा यहां पर इसका कारण क्या था, जैसे आप मेन इसका जो है कारण बताइए कि जैसे जो फ्रांस के जो है उस समय जो है मतलब वहां के जो है शासक थे जैसे बोले तो वो क्या थे, मतलब एक प्रकार से काफी ज्यादा खर्च करते, फिजूल खर्ची जिसे बोलते हैं। तो मतलब इसके कारण क्या था, जो राजकोष था वहां का जो खजाना था वह खाली हो चुका था, तो ऐसे में जो जनता थी वहां की तो जनता पर ज्यादा से ज्यादा जो है कर लगाया जा रहा था। मतलब होता है कि थोड़ा समझिएगा, जब क्या होता है किसी देश में मतलब कि वहां पर जो है आर्थिक स्थिति जो है डाउन हो जाती है तो वहां पर क्या होता है जनता पर कर लगाया जाता है। जैसे कि मतलब आज के टाइम पर बात करें तो महंगाई बढ़ती है, तो मतलब इसी प्रकार से वहां पर होता था। तो उसमें उसके कारण जो है जनता मतलब उसके जो है शासक थे शासक के विरोध में आ गई, तो मतलब कि यही एक प्रकार से क्रांति बोल सकते हैं, मतलब कि आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि मतलब जनता अगर किसी शासक का विरोध करने लगती है तो क्या होता है वहां पर इसे बोलते हैं प्रोटेस्ट या मतलब कि आंदोलन शुरू हो जाता है, या तो बोले तो क्रांति है। तो मतलब इसी के कारण जो है ये फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी कि राजकोष का जो धन था वह खाली हो चुका था और जनता पर कर लगाया जा रहा था, मतलब ज्यादा ज्यादा। देखिए कर एक प्रकार से देखिए कोई भी सामान होता है वह मिलता है, मतलब कि पैसे लगते हैं या रुपया लगता है, लेकिन क्या होता है अगर वह बहुत ही ज्यादा रेट में मिलता है तो क्या होता है जनता उससे परेशान हो जाती है। तो मतलब यही कारण है। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी भाषा में देखिए लिखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके जो है बुक में जो है वही आप इस्तेमाल करें, आप लोग अपनी भी थोड़ी सी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सा आपको यह ध्यान देना है कि भाषा जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके की हो। तो आप लोग पढ़िए एक बार आंसर को और उसके बाद अपने माइंड के अनुसार आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, तो मतलब ऐसा करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है यह भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर इतिहास से मैंने 10 क्वेश्चन लिए और 10 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, 10 को आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। चलिए इस प्रकार से आपका है क्वेश्चन कि जर्मनी के एक की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं एकीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये होता है जैसे एकीकरण का मतलब जैसे आपके कई हमारे देश में कई सारे स्टेट हैं, ठीक है, अगर उनको जैसे अलग अलग कर दिया जाए और उनको अगर एकीकरण की बात करी जाए तो मतलब एक में सभी को सम्मिलित कर देना, मतलब एक प्रकार से एक संघ बनाना, ठीक है। तो जर्मनी का मतलब यहां पर एकीकरण की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। तो क्या होता है यहां पर पहले क्या था, मतलब क्रांतियां होती रहती थी, कई सारी चीजें मतलब युद्ध ये सब हुआ करता था, तो उसमें क्या होता है कि मतलब अलग अलग उसमें गुट में बढ़ जाया करता था, ठीक है, मतलब जो भी मतलब वहां पर ग्रुप थे वह क्या होते बढ़ जाते थे। तो मतलब उन्हीं का जो है एकीकरण की प्रक्रिया आपको बताने की, वह किस प्रकार से जो है एक संघ में आए और उनमें से क्या हुआ, मतलब कई सारे देशों से युद्ध करना पड़ा, जैसे कि आपका ऑस्ट्रिया हो गया, डेनमार्क हो गया, उस समय मतलब कि ये जो है काफी ज्यादा क्रांति वाले देश हुआ करते थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, कई सारे जो है देश हुआ करते थे। तो इसमें क्या होता था जो एक वहां का जो शासक होता था वो मतलब एक प्रकार से उनसे युद्ध करके जो है उसका
मतलब एक देश का जो है एकीकरण करता था। तो यही मतलब हो गया कि आपका एकीकरण के बारे में आपको यहां पर बताना है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इटली के एकीकरण को संक्षेप में समझाइए। देखिए दोस्तों यहां पर आपका फ्रांस की क्रांति हो गई, जर्मनी का एकीकरण हो गया, इसके अलावा इटली का एकीकरण हो गया। तीन में से दोस्तों एक क्वेश्चन 100% की गारंटी लिखकर आप ले लीजिए, 100% आने वाला है। तो आप लोग तीनों को तैयार करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आपसे ये कहूं कि आप दूसरे को कर लीजिए तीसरे को कर लीजिए, तीनों को आपको तैयार करना। तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। तो आप लोग इनको अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1789 ईस्वी की क्रांति का फ्रांस था यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहां पर इसके प्रभावों को समझाना है। देखिए यहां पर जैसे 1789 पर जो है क्रांति हुई थी, ठीक है, कौन सी, तो यहां पर फ्रांस और यूरोप में जो क्रांति हुई उस पर मतलब इन दोनों देशों पर इस क्रांति का क्या असर हुआ या क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। तो मतलब तीन प्रभाव को यहां पर जो है मेंशन करना है। अब आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया तो तीन या चार जो भी मतलब संख्या दी हुई हो उसी के हिसाब से आपको बताना है। तो मतलब यहां पर जैसे कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो इस पर मतलब क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको बता दूं, एक तो हुआ था ये कि जो निरंकुश शासन था उसका अंत हो गया था। मतलब राजतंत्र जिसे बोलते हैं कि मतलब क्या होता था कि पहले जैसे राजा है तो उसका बेटा जो है राजा बनेगा, मतलब ऐसी जो है एक प्रकार से प्रथा चलती थी। जैसे कि आज के टाइम पर बात करें तो आज के टाइम पर ऐसा नहीं है, अब क्या होता है, अब चुनाव होते हैं, मतलब कि जो है इलेक्शन होता है तो उसमें जो है जनता उसको चुनती है। मतलब जो भी जैसे कि बात करें राजा होता है, अब आज के टाइम पर भी अगर हम जो है जैसे प्रधानमंत्री को बोले तो क्या है, राजा ही है, ठीक है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अब क्या है, जनता चुनती है। पहले क्या होता था, जनता नहीं चुनती थी, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से राजतंत्र जो शासन हुआ करता था उसका जो अंत हुआ, तो ये आपका फ्रांस की क्रांति में ही आया, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिससे मतलब कि क्या होता था जो है मतलब जनता का अच्छा खासा उससे मतलब फायदा ही हुआ, ठीक है। जैसे यूरोप की क्रांति की बात करें तो उसमें क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में उत्पन्न हुई। मतलब कि राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने राष्ट्र से प्रेम करना, तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना भी लोगों में उत्पन्न हुई। और कई सारी चीजें जैसे कि आपका बात करें समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ, मानव अधिकारों के जो शोषण होता था उसमें क्या होता, उनका जो है उल्लंघन होता था, उनसे जो है उनको छुटकारा मिला। तो मतलब यहां पर जैसे देखिए क्रांति का मतलब ये क्या होता है, प्रोटेस्ट अगर कोई कर रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है तो मतलब कि किसी का विरोध कर रहा है और उस विरोध से जब उसे छुटकारा मिलेगा तभी तो उस क्रांति का कुछ हमें फायदा होगा। तो मतलब यही सारी चीजें हैं कि आपको इनका जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा आंसर देना है। तो 1789 ईस्वी में क्रांति जो हुई थी उसमें फ्रांस तथा यूरोप को जो है इससे क्या प्रभाव पड़ा और उनको क्या फायदा हुआ, मतलब ये सारी चीजें आपको बताना है। और इसमें बताना कितना है, तो केवल आपको यहां पर तीन प्रभाव देना है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि देखिए अगर मेंशन करके देता है कि आपको चार बताने हैं पांच बताने हैं तब आपको बताना है, लेकिन अगर तीन कहता है और अगर कहता है कि इस पर कुछ प्रभावों को बताइए तो मतलब आप अपने हिसाब से दो भी बता सकते हैं। तो मतलब यहां पर अगर मेंशन किया तो ध्यान दीजिएगा, अगर मेंशन किया है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको जो है बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला देखिए यहां पर पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रॉलेट एक्ट क्या था और उसका विरोध कैसे किया गया, इसका परिणाम क्या हुआ। तो यहां पर दोस्तों आपको बताना है रॉलेट एक्ट के बारे में। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ रॉलेट एक्ट के बारे में। देखिए रॉलेट एक्ट एक प्रकार से क्या था, यह कानून था, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस कानून में होता यह था, जैसे अंग्रेजों का जो शासन था उस टाइम पर, तो क्या होता था, जैसे कोई भी क्रांतिकारी था तो उसको बिना किसी मुकदमा चलाए, ठीक है, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता, डायरेक्टली उसको 2 वर्षों तक जेल में डाल दिया जाता था। तो मतलब एक प्रकार से यह कानून था जो कि मतलब काफी जो है बेकार था। तो मतलब राजनीतिक जो गतिविधियां उस समय चल रही थी, कई सारे आंदोलन होते थे, क्योंकि देखिए देश आजाद हुआ था तो उसमें मतलब कई सारे लोगों का उसमें हाथ था, ठीक है। तो मतलब उसके पीछे जो है उन जो क्रांतिकारी होते थे उनको जो है अंग्रेज अधिकारी जो है बिना किसी मुकदमा चलाए उनको जो है कैदियों जो कैदी होते थे उनको जेल में डाल देते थे। इसके अलावा कई सारे जो है मतलब उन पर जो है अत्याचार करते थे। तो यही सारी चीजें थी। तो ये एक प्रकार से कहे रॉलेट एक्ट था। लेकिन इसका विरोध कब किया गया था, तो सत्याग्रह के जो आंदोलन था उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया था रॉलेट एक्ट का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और इसी के विरोध में जब हुए उस समय जो है जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी में ये भी मतलब सम्मिलित है। तो मतलब जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था वह भी एक घटना इसी में से एक है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको समझ सकते हैं कि जो रॉलेट एक्ट था वह क्या है, अंग्रेजों का एक शासन था, एक प्रकार से उसका कानून था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। और उसका विरोध कैसे किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि विरोध जो है एक प्रकार से आंदोलन के हिसाब से आंदोलन चलाया गया था इसके खिलाफ, ठीक है। तो यहां पर यह आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जो है बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, इस बार जो है इनके आने के जो है काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है, यहां पर आपको बताना है स्वराज पार्टी का गठन और इसके उद्देश्य बताना, मतलब कि यहां पर आपको स्वराज पार्टी का जो है गठन, इसके मतलब क्या उद्देश्य थे, क्यों यह इस पार्टी का जो है गठन किया गया था, इसके बारे में आपको बताना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जो है तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह एवं अहमदाबाद सत्याग्रह को संक्षेप में बताइए। देखिए यहां पर आपको ये ध्यान देना है, जैसे कह दे कि संक्षेप में बताइए या वर्णन कीजिए या मतलब इस पर टिप्पणी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन देखिए आ जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि इसमें हमें लिखना कितना है, तो मैं देखिए बता दूं, अगर कह रहा है कि संक्षेप में बताइए तो उसके आप लोग जो मेन पॉइंट होते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु, उनको आप लोग लिखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कहता कि वर्णन कीजिए तो उनमें जो आपके पॉइंट होते हैं, मतलब कि जो मुख्य बिंदु होते हैं, उसके अंदर भी थोड़ा सा आप लोग बता सकते हैं अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आया है। देखिए लॉन्ग का मतलब अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आप लोग उसका थोड़ा सा जो है वर्णन कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट का क्वेश्चन है संक्षेप में कह रहा कि बताइए, तो आप लोग को वहां पर वर्णन करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यही आपका मेन जो है गलती होती है। क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको मैं बता दूं अभी से कि आपके जो अगर जो बच्चे अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो उनका मतलब समय जो है एक भी नहीं बचने वाला, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो आप लोग ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि आपको क्वेश्चन को ज्यादा बढ़ाना नहीं उसका आंसर, ठीक है, जितना आपको शॉर्ट में हो सके उतना बेहतरीन तरीके से मतलब सटीक आंसर देना कुल मिलाकर, यह नहीं कि आप क्वेश्चन को बढ़ाते जाएं और उसका कोई अर्थ ही ना निकले आंसर का, ठीक है, तो मतलब अर्थहीन उत्तर नहीं देना, उत्तर बहुत ही सटीक और आसान भाषा में आपको लिखना है, तब आपको नंबर मिलते हैं। और ऐसा जो भी कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉपी के पेज भरिए, ये करिए वो करिए तो आपको नंबर मिलेंगे, तो देखिए ऐसा नहीं होता, आप कोशिश करिए कि बेहतरीन लिखें और बेहतरीन आंसर दें, तब आपको नंबर मिलते हैं। तो ये आपका हो गया 7वां क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो 8वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया और आंदोलनकारियों के 4 कार्य बताइए। तो देखिए असहयोग आंदोलन क्यों जो है मतलब चलाया गया था, तो क्या होता था, एक आपने देखा होगा सुना होगा गोरखपुर में जो है चौरी चौरा कांड जो हुआ था, तो आपने देखा है, तो मतलब यहां पर आप ये भी उसी से संबंधित है, तो असहयोग आंदोलन जो है मतलब ये भी क्या है गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से जो है पढ़ लीजिएगा, मतलब काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो असहयोग आंदोलन को आपको पढ़ के जाना है, और ये मतलब कि क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ऐसे में आपको बताना है, और इसके 4 कार्य मतलब जो आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या किया था, उनके जो है थोड़ा सा आपको कार्य भी बताने हैं, ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका होता है। तो इस प्रकार से ये 8वां क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला है आपका विश्व व्यापार संगठन जिसे बोलते हैं WTO, ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का उद्देश्य बताना, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है, जैसे कि बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे में मतलब कि इनका जो है ये जो संस्थाएं बनाई गई है, ठीक है, विश्व स्तर पर बनाई गई है, ऐसा तो नहीं कि ये हमारे जो है देश मतलब कि एक राष्ट्रीय स्तर पर है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ठीक है, यानी विश्व स्तर पर, इससे कई सारे देश जो है सम्मिलित होते हैं, तो मतलब यहां पर ये बताना है कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसका आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो यहां पर इसका मेन पर्पज क्या है वह आपको बताना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो 10वां क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक शक्तियों ने अफ्रीका को किस प्रकार गुलाम बनाया, वर्णन कीजिए। मतलब जो यूरोप की आर्थिक शक्तियां थी, ठीक है, यूरोप जैसे कि बात करें इंग्लैंड एक प्रकार से यूरोपीय देश है, जो कि हमारे देश पर जो है मतलब एक प्रकार से भारत को भी गुलाम बनाया था, तो ऐसे में जो यूरोपीय थे, यूरोप के अंतर्गत जो है ये इन्होंने जो है कई सारे देशों को जो है अपने अंडर में किया था उस टाइम पर, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो यूरोपीय आर्थिक शक्तियां थी मतलब कि उनके पास क्या होता था, काफी ज्यादा वो मजबूत थे, यानी जो धन की अगर बात करें तो आर्थिक रूप से वो उस समय जो है यूरोप काफी मजबूत था, तो ऐसे मतलब क्या होता था कि ये जो है किसी पर भी आक्रमण करके उनको जो है अपना गुलाम बनाते थे, तो मतलब यूरोपीय आर्थिक शक्तियों ने अफ्रीका पर भी जो है एक प्रकार से मतलब इनको भी गुलाम किया, तो ये बताना है कि अफ्रीका को किस प्रकार से गुलाम बनाया, कि पहले क्या होता था ये लोग व्यापार करते थे किसी देश में, उसके बाद वहां पर जो है कब्जा भी करते थे, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, तो आपको इसका भी कंप्लीट जो है आपको आंसर देना है, मतलब इस प्रकार से कैसे व्यापार करते थे, वहां पर क्या सारी चीजें होती थी, ये आपको बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन है आपकी हिस्ट्री के अंतर्गत जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतिहास
से आपको मात्र इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों 100% की गारंटी है कि आप बिल्कुल बेहतरीन नंबर लाने वाले हैं। तो आप लोग इतना जो है जरूर से कर लीजिएगा। बाकी आप अगर इसका जो है पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जो है इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।